हेलो दोस्तों, मैं हूं महिमा शर्मा और स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो पर। दोस्तों, मैं जानती हूं आप सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया था। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी किए थे और बोला था कि महिमा जी, आप वीडियोस क्यों नहीं बना रही हैं, आपकी वीडियोस हमें काफ़ी अच्छी लगती हैं और आपके चैनल को ज़रूर चलना चाहिए। तो इसी वास्ते इंस्पायर होकर मैंने अब दोबारा वीडियो बनाई है। मैं जानती हूँ आपको मेरी वीडियोस और भी अच्छी लगेंगी और मैं बहुत ही सारे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ के और अपनी लाइफ को आपको दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियोस में ज़रूर बनी रहिए क्योंकि जो आगे आने वाली वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो दोस्तों, मैंने वीडियोस काफ़ी टाइम से नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी और क्या ऐसे रीजंस क्या थे और मेरे एक्सपीरियंसेस क्या थे, वो मैं सभी आपको अपनी वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ और आपको भी बहुत सारी जानकारी उससे मिलने वाली है कि इस बीच मैंने क्या क्या किया था और क्या क्या सीखा था। न्यू जानकारियाँ आपके लिए ज़रूर लेकर आई हूँ मैं और आप मेरी वीडियोज़ में ज़रूर बने रहिए। तो दोस्तों, पहली गुड न्यूज़ तो ये है, मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी दोस्तों क्योंकि मैं अभी अभी अपने न्यू होम में शिफ्ट हुई हूँ और मैं काफ़ी समय से बिज़ी थी। मैं जानती हूँ आपको मैंने पहला घर नहीं दिखाया था। मैं पहले कहाँ रहती थी, किस घर में रहती थी और पहला घर मेरा कैसा था, वो होम टूर भी मैं आपको बहुत जल्दी कराने वाली हूँ और न्यू होम का टूर भी मैं आपको ज़रूर कराऊँगी और अपनी गार्डनिंग भी दिखाने वाली हूँ जो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और मैंने किस तरह की प्लांटेशन की हुई है और किस तरह की मुझे प्लांट का शौक़ है, वो सारी वीडियोस एक एक करके आपके सामने लाने वाली हूँ और अपनी लाइफ के हर पहलू को, हर जानकारी को और हर एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों, मैं जो आज की वीडियो में लाई हूँ, जो आज का टॉपिक है मेरा, मैंने अभी एक न्यू ड्रेस परचेज करी है। वो ड्रेस मुझे मंत्रा से मैंने परचेज करी है और मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं ऐसी ड्रेस लेने के लिए बहुत दिन से सोच रही थी और कुछ ज़्यादा ये ड्रेस कॉस्टली भी नहीं थी, तो मैंने ऑनलाइन इस ड्रेस को परचेज़ किया है। तो वो ड्रेस आज मैं आपके साथ देखती हूँ। अभी खोलकर पैकेजिंग, मैंने इसलिए पैकेजिंग भी नहीं खोली है क्योंकि जो आज का अपना एक्सपीरियंस है वो मुझे आपके साथ शेयर करना था कि जब न्यू ड्रेस मैं पहनूंगी और देखूंगी अपने आप को तो मैं कैसी लगूंगी, वो मैं आपसे पूछूंगी कि किस तरह की मेरी ड्रेस है, आपको मेरी लुक कैसी लगी। तो यही सब मैं आज करने वाली हूँ और देखती हूँ मेरी ड्रेस कैसी निकलती है, सही आती है साइज़ में या नहीं निकलती है, स्टफ कैसा निकलता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। चलिए अपना देखते हैं, पैकेट खोलते हैं और बताइए आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर कि आज की जो ड्रेस है मेरी वो कैसी है। चलिए खोलते हैं, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं अभी। अपनी न्यू ड्रेस मैंने पहन के नहीं देखी सुबह से क्योंकि मुझे शेयर करनी थी आपके साथ वीडियो कि कैसा एक्सपीरियंस होगा। चलिए अब बिना देर करिए शुरू करते हैं। ये है मेरा पैकेज जो मेरा मंत्रा से आया था। ये 599 की ड्रेस मिली थी मुझे और बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ब्लू और वाइट में इसकी स्टेप्स हैं, इसमें स्ट्रिप्स हैं। ये मैंने 2 डेज पहले ऑर्डर करी थी और मुझे बहुत जल्दी इसकी ऑर्डर डिलीवरी मिल गई है। अब देखते हैं कैसी निकलती है मेरी न्यू ड्रेस। आई होप दोस्तों आप भी ऐसे ही एक्साइटेड होते होंगे जब न्यू ड्रेस लेते हैं और किस तरह से पहचान रखते हैं वो तो आप जानते ही ना, एकदम लगता है कि हम पहन के देख लें। ये देखिए इस तरह की स्ट्रिप्स हैं इस पर। ये देखने में तो ब्लैक लग रही हैं, ब्लू लिखा हुआ था लेकिन उस पर शायद डार्क में हैं, ज़्यादा डार्क स्ट्रिप्स हैं ब्लू में तो इसलिए ब्लैक लग रही है। लिखा हुआ ब्लू था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों लिखा हुआ था। अभी भी मुझे इसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो ब्लैक ही नज़र आ रही हैं जबकि लिखा हुआ उस पर ब्लू था। चलिए देखते हैं बाकी। ये इस तरह की ड्रेस है। ये इसका टैग है,
न्यू ड्रेस का टैग हटाने में कितना मजा आता है ये तो सभी को मालूम है कि जब हम न्यू ड्रेस खोलते हैं तो कितना एक्साइटमेंट होता है कि बस खोलो और पहनो। बेल्ट होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों इसमें बेल्ट भी दी हुई थी और अभी मुझे बेल्ट तो नहीं दिख रही है इस ड्रेस की, तो क्या करना चाहिए? ड्रेस से बेल्ट गायब है, क्या करूं? मुझे तो ड्रेस जो लगी थी ये बेल्ट के साथ ही अच्छी लगी थी, ये तो मुझे सरप्राइज मिल गया, बेल्ट तो है ही नहीं इसमें। गाइज ये क्या हो गया, मुझे जो लुक पसंद थी इसकी बेल्ट के साथ पसंद थी लेकिन बेल्ट तो है ही नहीं इसमें। कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, देखती हूँ ट्राई करके, पर इसका स्टफ भी थोड़ा इतना हैवी नहीं लग रहा जितना कि पिक्चर्स में लग रहा था, थोड़ा थिन है स्टफ। चलिए गाइज अभी मैं ट्राई करती हूँ और आपको पहनकर दिखाती हूँ। दोस्तों कैसी लग रही है मेरी ड्रेस बताइए। इस ड्रेस के बारे में मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ऐसी ड्रेस मैंने काफी दिनों से प्लानिंग की हुई थी कि मुझे इसी टाइप में इसी तरह की स्ट्रिप्स में ड्रेस चाहिए, तो अभी जो इसकी फिटिंग वगैरह है वो तो कभी अच्छी लग रही है मुझे। लेकिन दोस्तों जो एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट करने वाली बात है वो है कि इस ड्रेस में यहाँ पर एक बेल्ट भी थी जो मुझे गायब मिली है अपने कुरियर से। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए वो मैं सोचती हूँ, सोचा है मैंने, तो क्या करें, ऐसा क्या करें जब आपके ड्रेस से कोई चीज़ गायब हो, उसकी एसेसरीज गायब हो, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई हूँ इस चीज़ को देखकर, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ इतने मन से मंगा रहे हैं और उसके बाद वो आपको पसंद भी है, आप उसे रिटर्न भी नहीं करना चाहते, तो आप ऐसा क्या करें? क्योंकि दोस्तों कई बार होता है जब हम ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं तो उसकी एसेसरीज गायब हो जाती हैं या कुछ और बात हो जाती है कि हमने कलर दूसरा पसंद किया हुआ है, हमें दूसरे कलर में मिल जाती हैं, तो ऐसा क्या करें? उसे भी देखते हैं, कोई नंबर ऐसा इसमें होगा पेपर में तो मैं उसे ट्राई करती हूँ, मिलाती हूँ, देखते हैं क्या होता है। ड्रेस मुझे काफ़ी पसंद है और दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मुझे ये ड्रेस कैसी लग रही है, और अगर मेरा इशू सॉल्व नहीं होता तो क्या मुझे इस ड्रेस को रिटर्न करना चाहिए या नहीं, बल्कि मेरा मन है कि इस ड्रेस को रख लेती हूँ, मैं ट्राई करके देखती हूँ अपनी। मेरे पास एक दूसरी बेल्ट भी है ब्लू कलर में, उसे लगा कर देखती हूँ कि उसके साथ ये ड्रेस कैसी लगती है। वैसी तो नहीं लगेगी जैसी मैंने फ़ोटो में देखा था मंत्रा पर, शायद चल जाए, मैं भी ट्राई करती हूँ ब्लू बेल्ट। अभी अच्छी लगे लेकिन ये इसके साथ कुछ इतनी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि जो इसका ये बेल्ट का लगाने का होता है ये थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। फिर क्या कर सकते हैं, क्या किया जाए इस ड्रेस के साथ? ड्रेस मुझे पसंद है, काफ़ी दिनों से मैंने प्लानिंग की थी इसकी, ये बेल्ट तो अच्छी नहीं लग रही, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस ड्रेस की एसेसरीज मंगा लूँ। अभी मैं कोई कॉन्टैक्ट ढूंढती हूँ, शायद मुझे कोई कॉन्टैक्ट मिल जाए पेपर पे, तो मैं उससे ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरा ये मटेरियल है वो इसके बचा हुआ वो मेरा मैटर सॉल्व हो जाए इसका। देखिए दोस्तों ये इसका बिल है जो मैंने आज आया था, मुझे मिला था कुरियर, इस पर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, ये इसका टोल फ्री नंबर है, तो मैं इस पर कॉल करूँगी और देखूँगी कि शायद मेरा ये मामला सॉल्व हो जाए। अगर दोस्तों आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप भी ऐसे टोल फ्री नंबर होता है आपके पेपर पे कुरियर के जो आपको मिलता है, तो आप भी उस पर कॉल मिलाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती या कुछ होगा नहीं, आप उस पर ट्राई कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर आ जाता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, और आपको
जो भी है आपकी पसंद की चीज़ वो मिल सकती है। दोस्तों चलिए मैं इस कोशिश को करूँगी आगे और आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगी कि मुझे मिलेगी बेल्ट या कब मिलेगी, कैसे होगा, क्या हुआ, वो मैं सारी बात आपको बताने वाली हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लेकर आई हूँ। अपना पुराने वाला घर जो है जिसमें मैं पहले रहा करती थी वो ब्लॉग भी आपके लिए लेकर आऊँगी जल्द ही। और इस वाले घर को भी मैं आपको एक्सप्लोर करने वाली हूँ कि ये मेरा घर कैसा है। तो दोस्तों मेरा इंतज़ार करिए और देखना आगे की वीडियोस किस तरह की मेरी वीडियोस हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रखना और देखते रहना महिमा शर्मा के साथ मेरे वीडियो। बाय बाय।